मैं राजीव कुमार मिश्र, उम्र 54 साल है मेरा। मैं 12 तारीख को फीवर से ग्रस्त हुआ। 15 तारीख की रात 4 बजे भोर में जब बाथरूम के लिए उठा तो उस समय चक्कर आ करके मैं गिर गया, और जब ऑक्सीजन मापा तो ऑक्सीजन less than 80 था। 1 घंटे तक किसी तरह से प्राणायाम वगैरह करके और अपने ऑक्सीजन लेवल को ऊपर किया। कहीं बेड नहीं मिल रहा था। मैंने किसी तरह से पता करके जिम्स में गया। मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरे घर से जिम्स दूर था, लेकिन फिर भी कहीं बेड नहीं मिल पा रहा था। तो जिम्स में मैंने ट्राई किया और वहाँ प्राइवेट वार्ड में मुझे जगह मिल गया। मैं 16 को जिम्स में एडमिट हुआ। उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने नीचे ही एडमिट होने के बाद तुरंत ही ऑक्सीजन लगा करके और अच्छी व्यवस्था करके ऊपर कमरे में भेज दिया। 16, 17, 18 और 19 ये 4 दिन मेरे लिए बड़े ही कष्टकारी थे। जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा था। जिम्स के डॉक्टर लगातार अनवरत अपनी मेहनत करके और वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ और जो असिस्टेंट वगैरह थे उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके और मेरी जान को पुनः वापस ला दिया। 18 तारीख की रात मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। मेरा ऑक्सीजन लेवल बराबर ही गिरता जा रहा था, 90-91 था। फिर डॉक्टर पूजा और डॉक्टर नेहा, इन दोनों ने आकर के देखा और उसके बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल सीधे जो 5 लीटर चल रहा था उसको उठा करके 15 लीटर कर दिया। उस दिन से लेकर के 26 तारीख तक मेरा ऑक्सीजन लेवल 15 लीटर चलता रहा और ऑक्सीजन का सेचुरेशन 94, 95, 96, 97 बना रहा। फिर 20 तारीख के बाद धीरे 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 मेरी रिकवरी होने लगी। दवा लगातार सुबह और शाम चलती रही। खाने की अच्छी व्यवस्था थी। पहले तो खाना भी अच्छा नहीं लगता था, पानी भी कड़वा लगता था, लेकिन धीरे 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 मन में धैर्य रखा। वहीं रह करके प्राणायाम योगा आदि करके अपने आप को संबल देता रहा और अंततः 27-28 को 26 तारीख के बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बिना सपोर्ट का 15 से 12, 10, 8, 5, 27-28 तारीख को मेरा ऑक्सीजन सपोर्ट लगभग 2 पर आ गया था और 28 तारीख को मैंने ऑक्सीजन का जो सपोर्ट था उसको SOS कर लिया कि जब मुझे परेशानी होती थी, जब बाथरूम से आता था या कहीं बाहर घूमने के लिए कॉरिडोर में भोजन के बाद एक चक्कर लगा करके जब आता था तब लेता था, या सुबह शाम जब मुझे परेशानी महसूस होती थी तब लेने लगा। अंत में धीरे धीरे मैंने 29 तारीख को छोड़ दिया। 30-1 को डॉक्टर साहब ने मुझे देखा और उसके बाद मुझे डिस्चार्ज किया। वहाँ से आकर के घर में मैं नियमित योग, प्राणायाम और भोजन, लिक्विड डाइट, ये सब कुछ लेकर के आज की तिथि में बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सच, जीम्स हमारे लिए जीवन दान देने का एक औषधालय है। जीम्स के डॉक्टर्स और व्यवस्थापक जिन्होंने मुझे वहाँ अच्छी देखरेख की, अच्छा भोजन दिया, मनमाना जितना जैसा भी वहाँ उचित व्यवस्था थी खाने की वो भरसक पूरा ही दिया है उन्होंने। फल
फल फ्रूट से लेकर के पनीर से लेकर के दूध से लेकर सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया। इसलिए मैं जीम्स का बहुत 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 कोटिशः धन्यवाद करता हूँ, वहाँ के डॉक्टरों को धन्यवाद करता हूँ, वहाँ के व्यवस्थापक का धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर डॉक्टर राहुल का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अच्छी व्यवस्था देकर मुझे जीवन दान दिया है। मैं उनको कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।